विजय साहब 1 मई 2024 यहाँ बंदर फौज के बीच में अभी, क्योंकि जल्दी आना पड़ेगा, इनको ट्रेन पकड़नी होती है, यहाँ सामान रखवा देंगे। चलो ये दो फली आगे वाली ले लेना, ये लाठी रिक्शे पर रख दो, दो फली, क्यों वहाँ पेशाब नहीं है। हाँ यही ले आओ बस, वहाँ ये पेशाब में पड़ा है, इसी में रख दो। अमल ताज इसको बोलते हैं, क्या करोगे, सामान रखोगे? हाँ हाँ बस सामान रखो जाके। तो क्या रखोगे पहले ये? हाँ पहले सामान रखो, चलो सब्जी उखाएंगे। अरे भाई मनुष्य होने का मतलब यही है। ये देखो गिलहरी भी दौड़ रही है, उसको भी मारे खुशी की गिलहरी भी दौड़ रही, थोड़ा थोड़ा रखो भैया दो। हाँ अब एक देखो, एक हाँ एक आग भी गया। ये उग्रवादी है या गया, चलो खाना शुरू हो गया। अब ये देखिए मनुष्य की जाति है, है? हम आप केवल पूजा की बात करते हैं, जातवाद मेरे देश के लिए इतना बड़ा कोर था, अब समय आ गया है। ये अन्नपूर्णा जी से बहुत कुछ जानकारी सब आने लगे, अरे वाह आने लगे। देखो उग्रवादी था ना, अब इनको देख के भाग रहा है, लेकिन भागते भागते इसको मैं आ जाओ भैया खाओ, अरे तरबूज खावा के ले, अरे कुकू कुकू ना दे दे पकड़ा के। देखो उसी को उग्रवादी के भगाने के चक्कर में एक तो रोटी आज डाली जा रही है ना, दे 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 आओ, अरे मरो आके यहाँ जल्दी आओ, ले वहाँ फेंकेंगे उसको मिट्टी लग जाएगा। हाँ ले लो उठाओ, चलो मरो, हाँ कूद के आओ, आओ जल्दी से। कल देखा ना कितनी रोटियाँ थी, बिल्कुल हाथी टाइप की रोटियाँ, सब उनके नाम से मैं देखे गया, इसीलिए हमने उनको छुआया ताकि वो उनको ज्ञात हो। जो मिनट अगर बोलने आप लोग जो हैं व्हाट्सएप से भेज सकते हैं उनको भेजिए, आप उनको बताइए कि एक आदमी ऐसा है इतना बड़ा काम कर रहा है, उसको लेना कुछ नहीं है, लेकिन उसके मनोबल को बढ़ाइए आप लोग, हैं जिस लायक आप लोग हैं उसको मदद दो, हमें पैसा कौड़ी मत दो। अब हमारे हमको बंदर के लिए बताया, ये सब एक लाइन से फसाद लोग करते हैं, गंदा नाला है, यही हम हर जगह से मना ही दिया, हम आ गए आओ जिसको मना करना हो। तो ये बंदरों के जो मूल निवास है वहाँ जिनको भोजन मिले। अब राजस्थान के सैनी जी तो कहते तो हैं बंदरों का मूल निवास एक्ट होना, अरे होना चाहिए तो कौन करेगा, मांग उठाइए आप, यहाँ कोई नहीं आ रहा भाई, रोटी रखी जा रही है ना, ए दे आके देखा ये पकड़, अभी तरबूज तो देखा नहीं, ले ए ले ए उठा 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 खाओ, और जल्दी जल्दी यार लोग जल्दी, हम लोग आ गए ना जरा सा। वो देखिए वो बच्चे चले आ रहे हैं, देखो वो चले आ रहे हैं सब, तो देखो छोटे छोटे आ गए। देखो इनको जानवर मत समझो, इनको जानवर समझने वाला ही जानवर है, दो यार निकालो खाओ इससे, अरे बेवकूफ ये निकाल ये पकड़ ले, आ वाह वाह लाल मनी आ गई, लाल मनी ये लाल मनी आ गई खाओ, ये लाल मनी है खाओ, लाल मनी के बच्चे के देख ले, माओ से तुम चिंग चांग चुंग, माओ से तुम आज एक 500 रुपए का तरबूज लाए हैं घर में रखे हैं, खाओ खाओ खाओ। अब हथकटी आती तो बड़ा काम बन जाता, इसके अंदर केला रखा है, हाँ ये केला है हथकटी के लिए, वो आ जाएगी तो उसको देंगे, नहीं आएगी तो देखो सब खा रहे हैं, लेते जाओ। और ये अमल ताज है ना, इतना बड़ा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा तोड़ के इसको कुचल के पानी में भिगो दे, है ना, रात में मिट्टी के बर्तन में, और सुबह उसको मल के पियो, अपने वैद्य जी से राय ले लो, ये पेट साफ कर, जैसे आप लोग हरदे खाते हैं तो ये बड़ा काम करता है। आयुर्वेदिक अस्पताल में उन्होंने बताया कि महाराज इतना बड़ा टुकड़ा
इसको बंदर, इसको लोग बंदर खेलते हैं आपस में सब, बिल्कुल डंडे के जैसा है, इसके अंदर गोंद ऐसा होता है तो आंखों को ये साफ करता है। ले देखा देखा दे भैया, देव बालाजी बालाजी, उसने बहुत छोटा काट दिया है, बहुत छोटा भी मत काटो, देव इतना बड़ा काटो कम से कम उनको मिल जाए, बहुत छोटे छोटे दे दो भैया। अरे ले दो भैया, इतना दूध खा दो भाई, इतना दूध खा दे दो भैया, वहाँ भी डाल दिया यहाँ भी डाल दिया, ये रोटी खा दो भाई, सब कोई खा दो भाई। बड़े बड़े संकटों को काट देता है ये। अगर आप बहुत बड़े आदमी हैं, एक आदमी का लड़का आधा दिमाग का है, अब अरबपति आदमी है, लेकिन वो मेरी बात उनको समझ में नहीं आई, उनको भोगना है। मैंने कहा बेटे के नाम से रोज एक आदमी मुकर्रर करो कि बहुत सूर में टिका रहे, रोज भोज करे, तौल के गेहूं दिखावे तराजू में और बंदर के बीच में रख दे, और वीडियो तब तक बनता रहे जब तक वो बंदर उसको ख़त्म न करे। हर काम साफ करो, ले बोलो अब तुम जाओ, हटो तुम हटो हटो, हम दिया ही खाद करके, चलो तुम मत जाओ, तुम्हारी वजह से यहाँ कोई नहीं आता है, देव खा दो खा दो खा दो बालाजी बालाजी, अले लाम लाम बालाजी बालाजी, देव बालाजी ये खाओ भैया, ये बालाजी खाओ भाई, देव बालाजी सब कोई खाओ भाई, सब कोई खाओ। हैं अभी थोड़ा सा खा रहे हैं, खाने दे उनको जब तक दिखा दो थोड़ा सा, बस उसके बाद यहाँ से 5:30 बजे चलोगे कि सवा 20-10 मिनट में पहुँच जाओ, 5:20 पर यहाँ से यहाँ निकल दब। हाँ अच्छा ठीक, 5:20 हाँ अभी क्या टाइम, 5 बज गया 20 मिनट और है। हाँ तो 20 मिनट और है, एक नजारा ठीक है, 5 मिनट और दिखा दो। बड़े बड़े संकटों को काट देता है, समझ गए। अभी रानी स्मृति ईरानी के नाम से जो आज के सब भोज देख रहे हैं आप, अभी ये चलता रहेगा चुनाव तक, देखिएगा इसका परिणाम क्या आता है। भाई सम्मान भी किया, अब उनको कोई बताने वाला नहीं है, उनको बताने वाला हो तो ही कुछ व्यवस्था भी करे। ये तो हमने सब हमारे जो जो नेता है उन्हें प्रसाद कर रहा है, आयोजक के रहा गुरु जब का कोई बात नहीं। अरे भाई तुमने साल ओढ़वा दिया, ये सब खर्चा वर्चा किया, वही बात है, बाकी हम वोट तो मेरा काम है कर, अब इसको देख रहा हूँ थोड़ा करीब से बना, बड़ा अच्छा लग रहा हो जो 4 दिन जो है तरबूज जो है कल से खुद लाएंगे तरबूज, है ना। डबल बच्चा वाली आ गई, डबल वाली, अरे हाँ घुमाएंगे, अरे आओ आओ डबल बच्चे वाली, दूसरा बच्चा बेचारा बीच पर है, देख तुम रोटी, तुम लोग हट जाओ भैया किनारे हटो, हाँ अभी हथकटी नहीं आई शाम में, हाँ रोटी भी खाओ। हाँ देखो एक बच्चा ऊपर एक बच्चा गोद में है इसके, देखो है इसके जगह हमको आपको भी जाना है, समझिए। तो पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे तो आपका काम नहीं चलने वाला, जो बोगे वही काटोगे, यह सृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम है। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि जो करें वो सब सही है, वही कानून आज हमारे देश में चल रहा है, उस कानून को हटाओ और एक झंडे के नीचे आओ, एक झंडे के नीचे साहिब साहिब बंदगी और सतनाम का प्रचार प्रसार पूरे देश में करो, और सब अपना मंदिर जो करना है घर में करो, लेकिन एक मंत्र को पढ़ो इसलिए कि उससे राष्ट्र हमारा मजबूत हो जाएगा। सारे धर्म के लोग जो फलाने और ढमाके जो अलग अलग राग अलापते हैं ना, वो सब एक झंडे में आ जाएंगे और सब अपने राग को मजबूत कर लेंगे। अब जो लोग छक्का पंजा करते हैं धर्म के नाम पर, उनकी दुकानदारी बंद होगी तो बंद होने दो, सबको भारत को मजबूत बनाना है, बहुत मारकाट हो चुका था, बड़ी बदनामी हम लोगों ने झेला।
सफाई कर्मी को मैंने माला पहनाया। बता दे हिंदुस्तान में अगर जातवाद का चश्मा लगाएंगे तो मैं जात से ब्राह्मण हूँ। एक ब्राह्मण होके सफाई कर्मी को माला पहनाया, जमाना बीत गया। नाम के आगे से जात को हटाया, जमाना बीत गया। आए कोई नेता, आए कोई बाबा जो बराबरी करेगा है? ये तो कुछ नहीं है। कांग्रेस में हजारों बंदर हमको ढक लेता है, ऊपर बंदर आता, कोई लैट्रिन कर रहा है, कोई बाथरूम कर रहा है, है? कोई भी बच्चा, एक बच्चा दब जाए तो जान से मार नहीं। सबको मानो, लेकिन एक राष्ट्र को बचाना है तो एक घंटे के नीचे बाओ। सबसे पहले साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम को पूरे देश में सरकार को भी चाहिए कि अगर राष्ट्र को मजबूत करना, अगर राष्ट्र बनेगा बचेगा तभी हम विश्व गुरु कहलाएंगे। विश्व गुरु तभी हम बनेंगे। केवल एक मिनट भाई, हम राम राम बोल रहे हैं, वो राधे राधे बोल रहे हैं, वो अलग बोलना है, नहीं, एक झंडे के नीचे आओ। समझिए साहिब बंदगी सतनाम, SBS याद कर, सत्य शुरू होगा सत्य। सतनाम का मतलब यही होता है सत्य नाम, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। यहाँ लोग ठेका देते हैं हम स्वर्ग में राज बुक करवाई, क्या ये दशा आपकी नहीं होगी क्या? यहाँ भी आपको आना है। जो बस चलो गोरा बाजार में रख के सीधे रवाना। क्या टाइम हुआ? खाओ, चलो देव खाओ, हटो हटो जाओ। ए हाँ बांट दो, तुम लोग खाओ इसी में, अब इसी में खाओ, जिसको खाना है खाओ, सब कुछ खाओ, खा दो खा दो, तब तक बूझे ना खाओ, रोटी भी खा दो। शाम को भुवन सिंह आएंगे तरबूज लेके, उसको भी खाना, लो रोटी खा दो खाओ। उसका नाम है ज्ञान वापी। ये देखो कैसा मम्मी के दूध पी रहे हैं भाई, ये बालाजी को देख लो भाई, ये बालाजी सुंदरी सुंदरी बालाजी, देव ये लूटी खा दो भैया बालाजी, ए बालाजी खाली लूटी न खाओ, ये देव, ये लो देव खाओ। जय श्री, अब सबको राम बोलो, श्याम बोलो, राधे बोलो, लेकिन राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, अरे देखो बेवकूफ ने वहां रखा और बंदर ने पलट दिया, देखो ये देखो अब बेवकूफ, अरे उसको बीच में रखते हैं ना, किनारे रखे, देखो बंदरिया कैसे भगा दिया, लो तुम खाओ, डंडा उठाएंगे भी भाग जाएंगे। ए ए ए उसको एक ए उसको एक हाथ मारो पहले, लो भाई लो लो रोटी खाओ यार, सोदामा जी इनकी ले, या ए ये देखो देखो ये मारे डर के, ये देखो उसको दौड़ा दिया, हाँ ये देखा उसको, उनको दौड़ा रहे हैं, उनको दौड़ा रहे हैं, यही हिंदुस्तान में भी हो रहा है, फलानी पार्टी धमाकी पार्टी जूता बाजार हो रहा है। राष्ट्र के बारे में सोचो, देश के उन्नति के बारे में सोचो, कोई काम ऐसा मत करो जैसे कोई उंगली उठावे। इस समय राष्ट्र को बचाना है, सब कोई अपने अपने भगवान की ए ऊपर से उठाना, ऊपर ऊपर से, हाँ मिट्टी ना आवे, उसको भगाओ बहुआ को,
ए फिर ना उल्टा दे बेवकूफ आदमी, उसको बीच में रखना चाहिए, किनारे रख लिया। लो खाओ, ये सुदामा जी खा रहे हैं। मेरी जल्दी देखो, काम देखो, कितने लोग जोड़े। जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, अब हमको एक हमको झंडे एक ही झंडे के नीचे हमको राष्ट्र मजबूत बनाना है। देखो खाओ, राष्ट्र हमारा मजबूत होना चाहिए, तभी हम बचेंगे, तभी राष्ट्र, तभी विश्वगुरु कहलाएंगे। पहले हम राष्ट्रवादी तो बने। लो भैया डबल बच्चे वाली, ए डबल बच्चे वाली के लाओ लाओ लाओ, थोड़ा थोड़ा उसके आगे रखो जाके। सब चंडादीन ने उसको उसको भगा दिया। डबल बच्चे वाली को थोड़ा केला भी दे जाओ, उसको उसको केला दे दो। ए देव डबल बच्चे वाली को देव, फिर कोई दूसरी आगे उसको भगाओ, उसको भगाओ, देव देव उसको केला, इसको मारो, इसको मार मार इसको, हाँ हाँ हुमक के मार। अरे यार हाँ ले ले खिला दे, बैठ बैठ कर खिला दे उसको। क्या भैया, मैं ला सुलामा जी, ये केला खाओ, देव ये केला पकड़ो, देव तुम भी, देव तुम भी पकड़ो, देव खाओ, देव तुम एक ले लो, तुम्हारा छोटा है, देव उसका हिस्सा मत छीनो, दिया एक झापा बंदर। अच्छा कोई आदमी आया है बेचारा, देखो एक एक बिस्कुट दे रहा है। एक भावना तो है इस आदमी के अंदर, है एक भावना, एक एक बिस्कुट चाहिए भाई, जो कर सकता है कर रहा है। ये भगवान, ये बुद्धि सबके पास होनी चाहिए। यहाँ सब पेशाब पेशाब घर में और गंदे नाले में हम बंदर खिला रहे हैं, इसके लिए नई सरकार को मदद करनी चाहिए। है इसीलिए हमने कहा नहीं, अब एक 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 झंडे का बोलबाला करो, साहेब बंदगी सतनाम। हर कौम हर जात के लोग इससे जुड़ेंगे, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करो। पूरी जिंदगी बीत गई, किसी को नहीं दिखाई पड़ा आज तक। लो भैया देव देव खाओ, देव ले लो, खा लो खा लो। एक मुंह में दाबा, या देखो दो हाथ में लिया, या देखो यह देखा सुदामा को, एक मुंह में दाबा दोनों हाथ में लिया और अपने पैर के बल कूद पड़े। ठीक है चलो, इस आदमी के अंदर बेचारे में एक भावना तो आई, क्योंकि इनका अच्छा होना है, इनको बड़े बड़े संकटों से बचना है। मौत के मुंह में जाएंगे तो एक बार वापस आ जाएंगे। हाँ बस ऐसे ही, क्यों क्यों ऐसे ही सेवा करते रहा करो। चाहे जो सुनो, ये कच्चा गेहूं को ज्यादा पसंद है, जब कभी कच्चा गेहूं ले लो, इनको दे दिया करो, उससे इनका पेट भी भरेगा, है ना। और इसमें पैसे भी आपके जाते हैं और पेट इनका नहीं भरता है। सुनो जैसे ये दिया करो, खीरा है, जो सस्ता आइटम मिले इनका, इनको पेट भरो, ज्यादा ज्यादा इनको मिलना चाहिए, है ना। तो आप कहाँ रहते हैं पापा? अच्छा एक यादव भी राहत रहे, वो बिस्कुट बहुत खवावत रहे। लक्ष्मी शंकर यादव जी, हाँ कोई कोर्ट में रहे? हम भी यादव। अच्छा अच्छा हैं। अरे वाह, देख रहे बहुत दिन से खिलावट रहे। तो आप यही कोशिश किया करो, घर से दुठी रोटी ले आओ, इनका पेटो भरी, अब आपका सस्ता पड़ी। और ये बिस्कुट खिलाए से इनके पेट में कीड़े बन जाएंगे, और पेट में कीड़े बन गए तब ये तड़प तड़प के मरते हैं। इसलिए नहीं कच्चा, हाँ सूखा पूछो ना, ये कितने क्यों सूखा गेहूं बोलो ना इनके आगे। सूखा ला खाई डाल दो बस, और कुछ नहीं सुन रहे हो बोल। अरे बोलो, भुंजाना कुछ नहीं करना आपको, कच्चा गेहूं। अरे दांत इनके बड़ा मजबूत हो, एक मिनट में अंदर ये दलिया बना देगा और उसके पेट में रुकेगा। ठीक जय कौने गांव के रहे वाले हो? मनहेरू शंकर के पुरवा, ये शंकर भगत के पुरवा कहाँ है? मनहेरू के बगल में आगे रामसभा वही है। अच्छा अच्छा, तो मनहेरू नहीं नहीं, अब इनका अब हमेशा गेहूं लाओ, रोटी लाओ, खीरा लाओ, गाजर लाओ, लेकिन बिस्कुट ना दो, बिस्कुट माने जहर। ठीक है आप कच्चा गेहूं ले लियाओ तो घर घर में मिल जाएगी। ठीक है जय हो।
हाँ इनका भर के बांट दो। अभी हस्पताल नहीं आई तो नहीं आई, चलो शाम के निकलती हैं नखड़े में बारात उनके, अब जाए भूखन मरी है तो अब समझ में आई। अच्छा दिन अभी और ससरा बड़ा होगा। बोतल हमका दिया करो, हम ना दिया करी तो हमरे ऊपर पानी डाल दो हाथ में। अब आम तरबूज में यही चलेगा, आम में बड़ी दुर्दशा होती है साहब, तरबूज में तो ज़्यादा दुर्गति नहीं है, जरे पानी लेकिन आम को सफाई बात, आम कहीं दाढ़ी में लग गया तो लगेगा जैसे कोई लैट्रीन लगा हो। ठीक है साहब, इसको देखिए, हर पल से कुछ सीखिए, वाणी को सुनिए, आडंबर से बचिए। और भगवान और चढ़ावा, कोई भगवान पूजा नहीं चाहता है ना कोई भगवान चढ़ावा चाहता है। जो रियलिटी पर आइए आप, आप देखे हो जब चले तो आप रहे दो गौरव बाजार जाए के, आओ 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 आओ, अब रहे दो गौरव बाजार, आओ आ जाओ देख, यह सामान उतार लो, अब तरबूज से नहीं अपन केला खाएं, आओ हटकटी जल्दी आओ, इतना केला देखा के लाओ जल्दी, हाँ आज आ जाओ यहाँ बैठ, आ जाओ इतना पहले केला देखा के लाओ जल्दी, आ गई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ गई आ गई हटकटी, आओ नीचे आ जाओ भैया, ऐसे नीचे आ जाओ, तुम बांट लो खा लो खा लो, और थोड़ा दूर दूर रखना, अब तुम भर पेट केला खाओ, रोटी भी रख देंगे, थोड़ा रोटी भी खा लेना, खा दो कट्टी जल्दी जल्दी, बेचारी एक हाथ से मुंह से छील रही है, ये केला हमारे लगाया हुआ है, तब आप देख रहे हैं ना, ये बाबा लोगों को करके करना चाहिए, केवल ज्ञान, केवल कोरे ज्ञान से नहीं काम चलने वाला, खुद कर करना पड़ेगा, तब आप ललकार के बोल पाओगे, चैलेंज करके बोल पाएंगे। एक भी आज तरबूज का पीस इनको नहीं मिला तो नहीं मिला, चलो कल भैया जल्दी आ जाया करो भाई, कल से और जल्दी आएंगे हम, खाओ देखो जल्दी जल्दी केला खा रही हैं अकेले में, है ना बढ़िया सीन आपका, अब ये देख रहे हैं सीनरी, अकेले में खाया जा रहा है, ये देखो यहाँ कटी एक हाथ से मुंह से छील छील के बेचारी, इसका दोनों हाथ नहीं काम करता है, खा दो भर पेट केला खाओ। ओ मैं घृ हनुमते राम दुताय नमा, और ये आशीर्वाद दो कि हम राष्ट्र के मजबूती की ओर एक महामंत्र का मैंने शुरुआत, अरे ये तो मंत्र तो है ही है लेकिन उसका उसको उपयोग में लाना है, इस मंत्र को देव देव दे उसको देव, अच्छा देव ले दे, उठा 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 खाओ खाओ खाओ, ए तुम हटो खाओ खाओ हटकटी, आओ जल्दी आओ खाओ, केला खत्म हो गया क्या, अच्छा रोटी खाओ, अरे केला है भैया ये खाओ, बस इसको खाने दो हलबला उमर, अरे गाड़ी हिल नहीं पावे, देव इसको केला छील छील के देव जल्दी, छील छील के देव ये सब छील के देव, हाँ लो खा रही एक मिनट में छील छील के खा रही है, हाँ ये देव हाँ ये खा रही, लो ये छीलो ये छीलो ये छीलो, लो भैया ये रोटी नीचे फेंको, दे दे रोटी पका रोटी खा, तुम हटो, अरे उसको मत दे यार, खराब रहना ही खाई से, चलो चलो ऐसे टीचर ना दिया कर, जब दो बच्चों को दिया करो, हाँ वो मैं घृ हनुमते राम दुताय नमः, भैया अन्नपूर्णा जी को भी आशीर्वाद दो, इस काम में सफल हो, काम को आगे बढ़ा में, समझ गए साहेब, बंदगी सतनाम, इसी से हमारा राष्ट्र मजबूत बनेगा, इसी का व्यापक प्रचार प्रसार करके राष्ट्र को मजबूत बनाओ, और राष्ट्र अगर नहीं बन पाया तो वो तुम्हारी हालत होगी, कभी सोचा नहीं होगा, कितने लोग हमको बधाई दे रहे हैं इनके, अरे जो स्मृति ईरानी जी ने मुझे सम्मानित किया, अब उन्हीं के जरिए मोदी जी का छुआ हुआ जल भी हमको प्राप्त हो जाएगा, बात जब पहुंचेगी, अभी तो चुनाव के माहौल में बेचारी रात दिन परेशान होंगी, कोई भी हो अब सतनाम, वो क्या नाम ये आपका साहेब, बंदगी सतनाम, ब्रह्मा विष्णु महेश।
तीन मंत्रों को याद रखो, इसमें हर कौम का आदमी, हर जात का आदमी इससे जुड़ेगा। खा लो भरपेट खा लो, क्योंकि उनके पास अब टाइम नहीं, उनका ट्रेन छूटेगा ना। दो भैया दो पकड़ो, खाओ दो, ये ले ले ले, खाओ खाओ खाओ, बिंदे बिंदे बिंदे, खाओ ले आओ ले ले रोटी ले, ये पकड़ पकड़ पकड़, अरे भाग गया बेकूफ, हाँ ले उठा, हाँ उठा ले उठा ले, देखाऊ ले देखाऊ ले ले, भाग गया। ए तुम हुआ नीचे जाओ, नीचे जाओ, ले छट्टन्नू खाओ 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 खाओ, अरे रोटी फेंका छट्टन्नू, ले उठाओ, अरे हाँ ये दे खाओ, पेट भर जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है। ए भैया नीचे जाओ तुम, वही में ना रोटी खाओ, अच्छा खाओ खाओ, हाँ कटी खाओ, बार बार देख रही है, देखिए इनके आप लोग दर्शन कर लें, इनके दर्शन दुर्लभ है। ये देखिए हथकटी जी के, जब तक केला लाए बचा के रखे रहे इनको, देख आखिर में आती है जब सब सभा समाप्त होती है, ले देखा संतुष्टि मिलती है भाई, सेवा करो भाई, खाली ज्ञान से नहीं काम चलने वाला, करके दिखाओ। जिस मंच के ऊपर जाओ फिर वहां ललकार के बोलो, ले भैया दे पकड़ ले, ये ले उठा ले उठा दे, हाँ ले आओ ले ले ले, भागी जा रही, खाओ खाओ ले, ये ले देखा आओ ले ले, आओ चलो। आज आज चना बिल्कुल नहीं आया, कल का भगवान इतना इनको चना पसंद है, एक एक तरबूज का छिलका खाया जा रहा है, पता नहीं पहले कहाँ रहती हैं ये तो गड़बड़ हो गया है थोड़ा, ये तो गड़बड़ हो गया है। खा ले खा ले, एक एक बीजा खाया जा रहा है, ये जाने वाली है, वहाँ कुछ नहीं, आज चना नहीं आया है, अब हम चना जरूर ले आते, चना रुकवा दिया, हमने कहा कि रोटी खपाना है सब, इतनी सी रोटी बन गई थी ना, स्मृति रानी जी के नाम से बहुत बड़ा भोज होना, लेकिन रात्रि में उनका आगमन हुआ, रात हो गई, अब रात में कहाँ कोई बंधन मिलेगा नहीं। ये देखो इतना तरबूजा इनको पसंद है, अब हमें भुवन सिंह को चाहिए कि इनको ढूंढ करके इनको पहले तरबूज खिला दो भर पेट, ये हटकटी है, थोड़ी लुट्टी खा लो, देव हटकटी, ये देव ये देव देव लुट्टी खा लो, हाँ खा लो भैया लुट्टी खा लो भाई, लुट्टी खा लो भाई, लुट्टी खा लो भाई, देव भैया ये किरकिरी आ गई, ले ले किरकिरी पकड़ ले, और ले ले किरकिरी उठा ले, ये किरकिरी है नीचे आ गई। अब किरकिरी पूरे हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर इनको लोग जान गए हैं, दो खाओ कस के दो, खाओ 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 यार, चार घंटा सो हथकटी का पेट भर गया, हथकटी जा रही है, वो गई गाड़ी के नीचे, खाओ इतना रोटी बचा है क्या किया जाए, वहीं टीन के ऊपर डलवा जाए भाई। स्मृति ईरानी जी को जो भयंकर रोड से जीतना है, तो भयंकर भोज भी तो हो, इतना कस के हुआ आज गोरा बाजार नहीं जा पाए, चूंकि इनको ट्रेन पकड़नी है, चक्कर तो ये है, मजबूरी है, ऐसे देर तक रुकते रहे, 11 बजे आते रहे, इनका ट्रेन का टाइम बड़ा गलत रहा। देव 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 देव, अरे देव यार तुमको हम रोटी दे रहे हैं, ये देखो उसको दौड़ाया, देव ये देखो उसको दौड़ा दिया, ले खा ले, ये किरकिरी का बेटा है शायद, ले ले किरकिरी ले, ये पकड़ ये देखो उसने उठा दिया, देखा चूंकि मजबूत है ना, ले 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 उठा ले, और ले ले मुलायम रोटी ले ले, मुलायम पट्टी और ले ले, हाँ ले 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 ले, बकरा मऊ जिसके भी गोद में बच्चा है, लो इतनी रोटी पड़ी अब,
लापरवाही मत करो। क्यों अब घोड़ा बाजार तो टाइम है नहीं, सुनो नहीं इसको उठाओ वही सीट के ऊपर बहा दो बात यहाँ। हाँ बस गाड़ी है बस चल दो बस ये बटोर के वहीं ट्रेन पर बहाओ बस चल दो आगे। ट्रेन के ऊपर पड़ा रही अपन देर सवेर खा ले हैं सब जने काहे रोटी रात भर में और सूख जाएगी ना। चलो हटकटी आ गई बड़ा अच्छा हुआ। लो खिड़खिड़ा खाओ बेन बेन खाओ बहुत सामान हो गया ना वहाँ वाले के लिए नहीं जा पाए। शाम को ऐसा काम ससरा आ जाता है उस समय हम वीडियो बना रहे थे लो देखो सीखो समझो। लो वो गया गया बटोर के गया वहाँ जाओ वहाँ खाओ जाके। ठीक है चले काफी रोटी पड़ी है इसको खाओ। केला के लिए लोग जान देते हैं एक बीघा हम चाहते हैं कि केला ही लगवा दें क्या। एक एक पेड़ रुक रुक के लगाया जाए तो एक घाव जो है बारह महीना कुछ ना कुछ निकलता है। बड़े बड़े लोग पड़े हैं जमीन पड़ी है जगह पड़ा है, है? अरे बाप रे बाप वही पूजा अंधो काली पूजा। अरे सेवा ही पूजा कर। तमाम लोगों के पास जगह एक बीघा केला लगवा दो एक घाव रोज निकले। अबे विजय मिश्रा जी घाव अब रखा है अब बंदरों को देंगे अब क्या बता मैं आपका जल्दी आना होगा नहीं वरना ये न रासायनिक खाद पड़ा है न कुछ भाई ये अमृत का समान केला है और देसी केला ये सब हजम होने वाले हैं सुपाच्य है ये। ठीक है मैं बाड़ी को विराम देता हूँ। देखो मम्मी के गोद में बैठे हैं या लेबर आता है ना कि वहाँ से भागा हो गया सब डाला है। चलो चलो सनसनाते हुए बस हो गया अब कुकू कुकू मत करो खाओ। आज खाते जा रहे हैं सब भागते जा रहे हैं। इससे बढ़ के संकट काटने का कोई उपाय हिंदुस्तान में नहीं है इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। अगर आप साबित करेंगे जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा। कोई मंत्र नहीं मंत्र मंत्र की बात करते हैं। अरे मंत्र तुम्हारे पास मंत्र है किसी लकवा को ठीक कर दो किसी पागल को ठीक कर दो किसी का बच्चा खो गया है उस मंत्र के द्वारा बुला लो टाइम उसको दे दो कि बस एक हफ्ते में तेरा बच्चा आ जाएगा तब तो हुई बात तब तो हम जाने कोई मंत्र में तुम्हारी ताकत सेवा में ही ताकत सेवा परमो धर्म गीता में लिखा है। अब गीता की गीता से बड़े गुरु कहाँ से पैदा हो जाते हैं है? अच्छा दे रहे हैं हाँ दे रहे हैं चलो। अरे हाथ भी जलवाया और गाड़ी आ गई हाथ भी जलवा दिया। अभी रोके रहो निकल जाने दो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं सब हाँ देव चलो अब हम दिए हैं हाथ तगड़े में यहाँ कोई भूस नाम की चीज़ें नहीं है। अच्छा वहाँ गेट बंद है चल रहे सिविल लाइन वापस पुल के ऊपर से पुल के ऊपर इतने गड्ढे इतने छटके तो क्या बताना बहुत रिक्शा वाले नाराज बेचारे अरे कितना उसमें पैसा लगेगा बंद करो ये सब डिपार्टमेंट सारी सुविधा नेताओं के लिए है आम जनता के लिए कुछ नहीं है सब नेता बनते हैं आपका कोई भरवाया हो चाहे पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाले कोई मतलब नहीं उनको मालूम है कि अंधी जनता है जातवाद के नाम से वोट मिल जाएगा जातवाद के जात फैला दो कब तक ऐसे देश चलेगा। अभी देखिए हम तो अब दूसरी ओर से चढ़ेंगे ना वहाँ पर खांचा कम है और
आते समय खांचे बहुत निकलते हैं, बेशुमार खांचे होते हैं। सिविल लाइन चौराहा आ गया तो अच्छा है, इस साइड में गनीमत, लेकिन उस साइड में आपको दिखाएंगे किसके भयंकर भयंकर खांचे भेजें। पानी वाला है खांचा, बहुत तो बड़े बड़े खांचे, पांच छह जगहों पर यह बड़ा खांचा दिखा। यह देखो दूसरा, यह तीसरा, यह देखा देख रहे इसकी चौहान है, पूरी पूरी गाड़ी हिलता। यह देखो, यह देखो, देख रहे हो क्या क्या मुसीबत। कोई नहीं बोल रहा है, नहीं नहीं कोई नहीं बोल रहा है। जाने में तो और ज्यादा इनमें थोड़ा मसाला छान के भर दिया जाए, लोगों को राहत तो मिल जाए कम से कम। तो बड़े बड़े खांचे खड़ा 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 जाने सब रोटी उछल के नीचे आ गए, सारी रोटी छोड़ के बाहर आ गए। यही एक महामंत्र है, यही मंत्र जिसको सभी मानते हैं, किसी भी धर्म के आदमी हो सब इसके नीचे आ जाएंगे। एक वो उस मंत्र का पढ़ो भाई, हमारा राष्ट्र मजबूत बने। केन केन प्रकार है, हम अलग अलग अगर राग अलापेंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। विरोध होता रहेगा, और विरोध होता रहेगा तो जो हमारे देश के दुश्मन है वो तो यही चाहते हैं कि तुम सबसे आपस में लड़ो, हमारी दाल गले। जगह जगह खांच, बस जगह जगह गड्ढे, जगह जगह गड्ढे, खड़ा 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 जगह सजाया जा रहा है। हमको यह सजावट काम आएगा, यह झटके काम आते हैं जो गरीबों को झेलना पड़ता है। देखो ये खांचा फिर अभी आ गया, फिर दवा समझ सारी मरम्मत हो जाए, बस कोई जरूरत नहीं सजाने की बनाने की। मरम्मत में कितना पैसा लगेगा भाई, इंटरलॉकिंग हो रही कि नहीं, दुनिया भर का नाटक होगा, लाखों करोड़ों रुपए का। लेकिन अरे गड्ढा भर दो बस, तुम लॉकिंग फॉकिंग बंद करो। यह गड्ढा जो हनुमान जी का मंदिर है अपने दरवाजे, जब से गुटक है क्या वो गुटक में हमको ठोकर लगा था, जिसको मैंने कहा था कि ये ऊंचा देखो ये एकदम ठोकर निकला पड़ा है, इसको उठा के किनारे ही ऊंचा बहा दो, गड्ढा रह गया तो गनीमत। वो एकदम ठोकर निकला है, पता नहीं ठोकर कैसे निकल गया। चलो हो गया ठीक, आगे घर अपने, इनको ट्रेन पकड़नी होती है ना। ठीक, जय श्री राम का है।